हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और बेटा आप सबको याद होगा कि पॉइंट चैप्टर में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। और आज के बच्चों पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये लास्ट लेक्चर हो और आज जितने भी मुझे क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत है मैं सारे आपको करवा दूं। इनकेस मान लीजिए कि या तो लेक्चर लंबा हो जाएगा या मुझे एक आध लेक्चर और बनाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। अभी रिकॉर्डिंग मैंने बस स्टार्ट ही की है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। या तो ये लास्ट लेक्चर होगा या इसके बाद मैक्सिमम एक लेक्चर और आएगा और उसके बाद फिर अपन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। और पूरा मुझे कॉन्फिडेंस है कि पॉइंट चैप्टर में बेटा बहुत महारत आ चुकी होगी तुमको, तुमको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी अगर तुमने ईमानदारी से मेरे सारे लेक्चर्स देखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसे ज्वाइन करने से आपको दो एडवांटेज होंगे। पहला एडवांटेज ये है कि आप कभी भी कोई भी लेक्चर मेरा मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। बिकॉज कई बार होता है यूट्यूब में हम कुछ पोस्ट करते हैं, थोड़े समय के बाद वो पोस्ट दिखना बंद हो जाता है। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं जब भी कोई एक नया लेक्चर पोस्ट करता हूं मैं उसका एक क्रिएटिव टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूं, ताकि हर बच्चे को पता हो कि कुछ एक नया वीडियो पोस्ट हुआ है। सो दैट कि आपका कभी भी नुकसान ना हो, आपका कभी भी कोई भी लेक्चर स्किप ना हो। एंड जो सेकेंड और सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है बच्चों कि यहाँ पर तो हम बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में सिलेक्ट होने के लिए और ज्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है, जो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, आज का पहला जो सवाल है बेटा लिखा हुआ है अपने पास, द पॉइंट ए डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, द पॉइंट ए डिवाइड द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स -5,1 एंड 3,5 and 3,5 in the ratio k is to 1, in the ratio k is to 1, and coordinates of points b and c are, and coordinates of point b and c are, and coordinates of point b and c are 1,5 and 7,-2 and 7,-2 respectively। ये अपने पास बेटा दिया हुआ है 7,-2 respectively। If the area of triangle ABC is 2 units, if the area of triangle ABC is 2 units, Then find K। ये अपने पास बेटा पहला सवाल दिया हुआ है। आपको देखिए कहा जा रहा है, क्योंकि सारी कंसेप्ट के बेटा सवाल होंगे तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो कंसेप्ट चेक करने, कि पॉइंट ए है जो इन दो पॉइंट्स को के इज टू वन में डिवाइड करता है, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू यूनिट्स है तो के का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है कि पॉइंट ए अगर इन दोनों पॉइंट्स को, हमारे पास देखिए दो पॉइंट्स कौन से दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं -5,1 एंड 3,5, करेक्ट, -5,1 एंड 3,5। ये अगर बच्चों हमको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहली बात समझ में आती है कि एक पॉइंट ए है जो इन दोनों पॉइंट्स को के इज टू वन में डिवाइड करता है। लेट अस से यहां पर पॉइंट ए है which divides it in the ratio k is to 1. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ए के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने कहे जाएं तो आप लिखेंगे 3k plus 1 into -5, तो -5 upon k plus 1, comma 5k plus 1 upon k plus 1। ये आ जाएंगे आपके पास वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स। अब बोला जा रहा है बच्चों आपके पास ये सेक्शन फॉर्मूला हमने लगा लिया, and the coordinates of B and C are 1,5 and 7,-2 if the area of triangle ABC is 2 units। अब area of triangle क्या होता है, इसके बाद अपने को दिया हुआ area of triangle होता है half
मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन, तो आप लिख सकते हैं 3k-5 अपॉन k प्लस वन, उसके बाद 5k+1 अपॉन k प्लस वन और 1। फिर अगला अपने पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 5, 1। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है 7-2, 1। इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो बच्चों वैल्यू आपके पास दी हुई है, दिस इज 2, ये दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2। मॉड्यूलस अपन ने लगा लिया, डिटर्मिनेंट अपन ने लगा लिया, अब कुल मिला के बच्चों सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका होता है कि आप खूब सारी प्रॉपर्टीज लगाइए, एक तरीका होता है यार आसान सा दिख रहा डायरेक्टली ओपन अप कर लो। मैं आपको बोलता हूं आप इस हाफ को यहां से हटा के यहां ले जाओ तो यहां 4 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। और यार अगर मैं मॉड्यूलस का लाइन हटा दूं, अगर बच्चों ये वाले में मॉड्यूलस का लाइन हटा दूं तो इस 4 के बदले मेरे पास आ जाएगा +-4, 4 के बदले मेरे पास आ जाएगा +-4। मॉड्यूलस सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा बेटा 3k-5 अपॉन k+1 मल्टीप्लाइड बाय 5 और माइनस ऑफ -2, मतलब कि 5 × 1 + 2, तो 7 ये आ गया, माइनस 5k+1 अपॉन k+1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 1 - 7, मतलब -6, और लास्ट में +1 × -2 और -35, देखो -2 और -35 तो आ जाएगा -37। इस पूरे का वैल्यू आपके पास बेटा +-4 दिया हुआ, ये अपने पास इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको अगर सिंपली बेटा अपन सॉल्व करें, बहुत आसान सा इक्वेशन है, ठीक है ना, डिफिकल्ट है ही नहीं बेटा, ये बहुत इजी सा इक्वेशन है आपके पास। कि आप देखिए k प्लस वन से तो आप पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 7 को इधर अगर मैं अंदर ले जाऊं तो दिस विल बी 21k-7, 5 = 35, फिर -6 तो माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 6 को अंदर ले जाएं तो +30k+6, और ये जो देखो नीचे k प्लस वन है, नीचे k प्लस वन है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -37 × k, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -37 = +-4, और उसके साथ ये k प्लस वन उधर चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा k+1। ये चीज आ गई अपने पास, यार इफेक्टिवली लिखा क्या हुआ है देखो ध्यान से, ये 30k और ये -37k, ये तो कितना हो गया -7k, और ये 21k में से अगर आपने बेटा 7k सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास आ गया 14k, उसके बाद ये -35 और 6 कितना होगा, -35 और 6 आपके पास आ जाएगा -29, और -29 में बेटा जैसे ही आप -37 को करेंगे, -29 - 37, तो देखो 29 और 7 आपके पास आ जाएगा 36 और 30, तो 66, तो आ गया -66। अब इसकी वैल्यू या तो बच्चों आपके पास होगी 4k+4, या आप बोल सकते हैं कि 14k-66 की वैल्यू होगी -4k-4, एक बार +4 के साथ लिया, एक बार -4 के साथ लिया। सिंपल से इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, 14k-4k करेंगे तो 10k विल बी इक्वल टू 66+4 = 70, तो k की वैल्यू आ गई 7, ये आ गया पहला आंसर। यहां से अगर देखेंगे तो 14k और 4k तो 18k, इसकी वैल्यू आ जाएगी 66-4, तो ये आ जाएगा 62, तो k का वैल्यू बेटा अगर आप 2 के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 31/9। चेक कर लीजिए बच्चों ये दो आंसर आपके पास आएंगे, k का एक वैल्यू आएगा 7 और k का अपने पास बच्चों दूसरा वैल्यू आ जाएगा 31/9, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी फंसने वाली चीज नहीं थी, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या अपने को करना है। बेसिकली आज के लेक्चर में, क्योंकि लास्ट लेक्चर रहेगा, मैं आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ, जितने भी तरीके के सवाल हमने देखे, जो जो थ्योरेटिकल हमने एस्पेक्ट देखा, वो सबके मैं आज आपको सवाल कराऊंगा, ताकि एक बार पूरा जल्दी से रिविजन आपका हो जाए। नेक्स्ट अपने पास बच्चों सवाल लिखा है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर a 0, -6, b -6, 0, -6, -0, and c 1, 1 respectively। ये आपके पास बच्चों वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल ए बी सी के रिस्पेक्टिवली।
then the coordinates of x center, then find the coordinates of x center opposite to vertex A. Coordinates of x center opposite to vertex A. ये हमको बच्चों बताना है, ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए. अब आपने ऑलरेडी एक्स सेंटर बेटा क्या होता है ये चीज आपने देखी हुई है कि हर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देयर आर थ्री एक्स सेंटर्स. वर्टेक्स ए के सामने वाले एक्स सेंटर को आप आई वन बोलते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले को आई टू, और वर्टेक्स सी के सामने वाले को आप बोलते हैं आई थ्री. अगर बेटा इस तरीके से मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो आप ये बात समझते हैं कि अगर आपको वर्टेक्स ए दिया हुआ है 0, -6, वर्टेक्स बी दिया हुआ है -6, 0, एंड वर्टेक्स सी हमको दिया हुआ है बच्चों 1, 1. अब याद करिए इन सेंटर क्या होता था. सबसे पहले तो मैं आपको इन सेंटर की बात करूं, तो इन सेंटर होता था ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c. ये एक्स कोऑर्डिनेट होता था, और वाई कोऑर्डिनेट होता था ay1 + by2 + cy3 / a + b + c. याद आता अपने पास इन सेंटर. और अब अगर बच्चों हम बात करें एक्स सेंटर की, तो एक्स सेंटर में अगर आप ए के सामने वाले एक्स सेंटर की बात कर रहे हैं तो ए विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस ए. अगर आप बी के सामने वाले आई टू की बात कर रहे हैं तो बी विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस बी, बाकी सब वैसे ही रहेगा. और अगर आप सी के सामने वाले एक्स सेंटर आई थ्री की बात कर रहे हैं तो सी विल बी रिप्लेस्ड विद माइनस सी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा. तो आपको बोला जा रहा है एक्स सेंटर ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए, तो बेटा ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ द साइड्स भी पता होना चाहिए. तो देखो आपका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा -ax1 + bx2 + cx3 / -a + b + c, और ये आपके पास आएगा -ay1 + by2 + cy3 / -a + b + c. ये तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं. हम अगर समझने की कोशिश करें कि देखिए ये स्मॉल ए होगा साइड, ये स्मॉल बी होगा बी के सामने, और ये स्मॉल सी होगा. ए की वैल्यू क्या होगी, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो 1 - -6 = 7 + 1 - 0 = 1. तो यार 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 150. 50 को आप लिख सकते हैं 5√2. देख लीजिए ध्यान से, ये जो रूट ऑफ 50 लिखा हुआ है 5 अंदर जाएगा तो 25 बन के जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. सिमिलरली अगर हम बात करें b की, स्मॉल b, तो स्मॉल b विल बी रूट ओवर 1 - 0 का स्क्वायर, तो 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर + 1 - -6 का स्क्वायर, तो अगेन 7 का स्क्वायर. तो यार ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है. तो ये आपके पास अगेन आ गया 5√2, और वर्टेक्स सी जो आपके मतलब लेंथ ऑफ साइड सी जो आपके पास होगा दैट विल बी 0 - -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, और प्लस -6 - 0 अगेन 36. तो यार ये अपने पास √72 आ रहा है, √72, इसको आप 6√2 बोल सकते हैं. अब देखो एक चीज बेटा क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं, इट इज ओनली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये सिर्फ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दूर दूर तक नहीं है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. जैसे ही आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आई वन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे -ax1, तो -ax1 मतलब -5√2 × 0, सब लिखना जरूरी है, +bx2, तो b आपके पास है 5√2, तो 5√2 × -6, तो +5√2 × -6 आ जाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बेटा, लेकिन इस तरीके का मैंने आपको उस समय कोई भी सवाल नहीं कराया था, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए जरूरत है. प्लस cx3, c का वैल्यू 6√2, तो 6√2 × 1 अपॉन -a + b + c, तो -a + b + c मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास -a + b. तो यार ये -a + b तो कट जाएगा, ये दोनों तो सेम है, -a + b तो कट जाएगा, नीचे से सिर्फ 6√2 आएगा. और अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो -ay1, तो -ay1 मतलब 5√2 × -6, और माइनस के साथ डायरेक्टली लिख लेंगे 30√2. सोच के देखो, डायरेक्टली लिख लें -ay1, तो ये आपके पास a है
और y1 आपके पास माइनस सिक्स है और माइनस ए वाई वन है तो सिक्स इंटू वाई रूट टू इज 30 रूट 2। फिर प्लस बी वाई टू, तो b की वैल्यू आपके पास है 5 रूट 2 और y2 जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस c y3, c की वैल्यू 6 रूट 2 है और y3 की वैल्यू आपके पास 1 है तो 6 रूट 2 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं प्लस 6 रूट 2 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा माइनस ए प्लस बी, ये माइनस ए प्लस बी तो कटेगा केवल बेटा 6 रूट 2 आएगा आपके पास नीचे, डायरेक्टली लिखा है इसको मैंने, तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया। यहां से अपने पास देखिए क्या आ गया, आई वन के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए, दिस इज माइनस 30 रूट 2, 6 × 5 माइनस 30 रूट 2 और 6 रूट 2 तो माइनस 30 रूट 2 और 6 रूट 2 इज माइनस 24 रूट 2, माइनस 24 रूट 2 अपॉन माइनस 6, सॉरी माइनस 24 रूट 2 अपॉन 6 रूट 2, माइनस 24 रूट 2 अपॉन 6 रूट 2 कॉमा 30 और 6 इज 36 रूट 2 अपॉन 6 रूट 2, ये आ रहा आंसर, रूट 2 से रूट 2 गया, रूट 2 से रूट 2 गया, तो यहां पे आपके पास फाइनल आ गया माइनस 4, 6। आई वन के बच्चों कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे माइनस 4, 6, चेक कर लीजिए माइनस 4, + 6 ये अपना फाइनल आंसर होगा बेटा। तो आई होप आपको ये वाली भी चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो किस तरीके से निकाले जाते। नेक्स्ट अपने पास बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पे एक सवाल है कि इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड, If the origin is shifted to 1, -2 and axes are rotated, axes को आपने rotate भी कर दिया and axes are rotated through an angle of 30 degree, axes are rotated through an angle of 30 डिग्री, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 1 या ऐसा लिख लेते हैं और 30 डिग्री, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 1 इन द न्यू पोजीशन कि 1, 1 का नया कोऑर्डिनेट, ये 1, 1 का बेटा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, ठीक है नए कोऑर्डिनेट्स 1, 1 के क्या होंगे। अब आपको बच्चों याद करिए मैंने आपको बताया था जो थर्ड टाइप था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में, जिसमें कि ओरिजिन का शिफ्टिंग भी हो जाए और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका एक्सिस का रोटेशन भी हो जाए, तो उसका जो रिजल्ट होता था वो क्या होता था, ऐसे रिजल्ट होता था x = x′ + a, जो सिर्फ ओरिजिन शिफ्टिंग में होता था x = a + x′, लेकिन अब आ जाएगा a + x′, अब x है तो x′cos θ और x वाले में -y′sin θ, और अगर आप y की बात करेंगे तो y will be equal to b + y है तो y′cos θ और y में सब पॉजिटिव होता था तो +x′sin θ, ये आपके पास रिजल्ट आया, ये आपको बच्चों रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना, x = a + x′cos θ - y′sin θ बिल्कुल सही है और y = b + x′sin θ + y′cos θ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जैसे बच्चों मैं इस रिजल्ट को देखूं तो अब मुझे सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करना है, जैसे ही आपको यह बोल दिया गया कि एंगल ऑफ रोटेशन 30 डिग्री है, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं की है तो आप एंटी क्लॉक की मान के चलेंगे पॉजिटिव, और ओरिजिन का शिफ्टिंग हुआ है 1, -2 में, मतलब आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x = अच्छा x क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 1, 1, 1 के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने मतलब x 1 है तो 1 = a, a भी क्या है 1, ठीक है ओरिजिन शिफ्ट हुआ है यहां पर a, b पे ओरिजिन शिफ्ट होता था, तो ये बेसिकली आपके पास a, b है, दिस इज बेसिकली x, y, इसको आपको x′, y′ बताना है, तो 1 = 1 + x′cos θ - y′sin θ और अगेन y की वैल्यू इज 1 = b+, तो b - 2 है तो -2 + y′cos θ + x′sin θ, ये अपने पास बच्चों रिजल्ट आ रहा है। कुल मिला के 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, पूरा खेल यहीं तक था बेटा, आप तो सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है, यार यहां से आप देखिए ये 1 से 1 कटेगा, तो पहला इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो x' cos 30 मतलब कि कितना आ जाएगा √3/2,
x dash root 3 by 2 minus y dash by 2 sin 30 is half minus y dash by 2 is equal to 0. तो यार यहां से आ गया 2 वाला फैक्टर तो उधर हटा दो, तो y dash की वैल्यू आ जाएगी root 3 x dash. इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, y dash की वैल्यू आ जाएगी root 3 x dash. और यहां पर अगर हम देखें तो यहां से बेटा आपके पास माइनस 2 उधर जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू y dash cos 30 is root 3 by 2 plus x dash sin 30 is half. तो यहां से 2 भी उधर ले जाओ, तो 6 इज इक्वल टू root 3 into y dash. y dash की बदले अपन यहां पर root 3 x dash लिख सकते हैं और plus x dash. तो यार ये आ गया 3 x dash plus x dash. This is 4 x dash is equal to 6. तो x dash की वैल्यू आ जाएगी 6 by 4 which is 3 by 2. और जैसे ही x dash अपने पास बच्चों 3 by 2 आया, यहां पर 3 by 2 आप रखेंगे तो y dash आपके पास आ जाएगा 3 root 3 by 2. सिंपल सा है बेटा, बहुत सिंपल सा है. अगर हमको रिजल्ट्स याद हो तो ये सवालों को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. x dash की वैल्यू आ जाएगी 3 by 2 एंड y dash की वैल्यू आ जाएगी 3 root 3 by 2. बिल्कुल सही. तो आई होप बेटा आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी. अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा जरूर. अपने पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऐसा बोल देते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन. ऐसा लिख लो. मतलब मैं आपको बेसिकली कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं जो इक्वेशंस पोलर फॉर्म में होंगी, और उन पोलर फॉर्म के इक्वेशंस को आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशंस में. जैसे कि एग्जांपल के रूप में बेटा मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको दिया हुआ है r इज इक्वल टू a sin थीटा. ठीक है, r इज इक्वल टू a sin थीटा मान लीजिए हमारे पास एक ये रिलेशन दिया हुआ. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. तो यार सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क कैसे करता है. तो अगर ये r होता है, ये थीटा होता है, तो ये y आता था, ये x आता था, तो x की वैल्यू होती थी r cos थीटा, y की वैल्यू आपके पास आती थी r sin थीटा, और x square plus y square की वैल्यू आती थी r square के बराबर. ये सबसे पहली चीज है जो हमको पता होनी चाहिए. अब बेटा अगर r की वैल्यू a sin थीटा बोली गई है तो आप इसको और लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड r से तो r square की वैल्यू ar sin थीटा के बराबर हो जाएगी. लिख सकते हैं ऐसा. और r square क्या होता है, r square होता है x square plus y square. तो x square plus y square will be equal to a into r sin थीटा. ये r sin थीटा देखो क्या होता है, r sin थीटा y होता है. तो मिल गया क्या इक्वेशन जो चाहिए था. बहुत सिंपल से पोलर इक्वेशन अपने पास दिया हुआ था, पोलर इक्वेशन को हमने कार्टेशियन बेटा इक्वेशन में कन्वर्ट किया. एक मैं आपको सवाल और देता हूं, इसको आप भी बेटा ट्राई करिएगा खुद से वीडियो पॉज करके, कि अगर आपके पास लिखा हो रूट आर इज इक्वल टू रूट ए, रूट आर इज इक्वल टू रूट ए कॉस थीटा बाई टू, रूट आर इज इक्वल टू रूट ए कॉस थीटा बाई टू. अब देखो बेटा जो मोस्ट लॉजिकल अपने को स्टेप लगता है, मोस्ट लॉजिकल स्टेप क्या है, मोस्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि यार देखो ए तो कोई कांस्टेंट होगा है ना, मोस्ट लॉजिकल स्टेप ये है कि स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि रूट तो देखना पसंद नहीं होता. तो जैसे ही आप इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही आपके पास आ जाएगा आर विल बी इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. ठीक है क्या, आर विल बी इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. और अब यहां से बच्चों आप इसको लिख सकते हैं आर विल बी इक्वल टू ए और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को क्या मैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू लिख सकता हूं क्या. सोच के देखो cos स्क्वायर थीटा बाई टू है तो cos स्क्वायर थीटा बाई टू को आप जैसे cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते थे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई टू. तो अगर cos स्क्वायर थीटा बाई टू है तो उसको अपन 1 प्लस cos थीटा बाई टू लिख सकते हैं. अगर 2 उधर ले जाएं तो 2r विल बी इक्वल टू a प्लस a cos थीटा. 2r विल बी इक्वल टू a प्लस a cos थीटा. मैं बोलता हूं एक बार आप r का मल्टीप्लीकेशन और कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2r स्क्वायर विल बी इक्वल टू ar प्लस ar cos थीटा. याद आएगा, एक बार जैसे ही आप r का मल्टीप्लीकेशन और करेंगे तो 2r स्क्वायर विल बी इक्वल टू ar प्लस ar cos थीटा. r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ar. तो a इनटू अगेन r क्या है, r है रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर.
आर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू आर कॉस थीटा। यार ये आर कॉस थीटा क्या है, आर कॉस थीटा तो एक्स है, मिल गया क्या इक्वेशन। या अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बच्चों करना चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और माइनस टू ए भी करोगे तो माइनस फोर ए एक्स रूट ओवर सॉरी माइनस फोर ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो बच्चों इतने में भी अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपके पास देख लीजिए बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये अपन ने जो लिखा हुआ है दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और सिंपली हमको देखो करना क्या था, हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना था। तो इस सवाल का पर्पस सिर्फ आपको ये चीज रिवाइज करानी थी कि किस तरीके बेटा किस तरीके से आप पोलर सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है द पॉइंट्स। इसमें आपको मैं आज एक चीज सिखाऊंगा, देखिएगा आपको लगेगा सवाल देख के कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक बहुत काम की चीज बेटा मैं आपको सिखाने वाला हूं। द पॉइंट्स के कॉमा टू माइनस टू के, द पॉइंट्स के कॉमा टू माइनस टू के, फिर माइनस के प्लस वन माइनस के प्लस वन कॉमा टू के माइनस के प्लस वन कॉमा टू के एंड माइनस फोर माइनस के कॉमा सिक्स माइनस टू के माइनस फोर माइनस के कॉमा सिक्स माइनस टू के आर कोलिनियर फॉर ऑप्शंस दे देता हूं, ऑल वैल्यूज ऑफ के सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है के इक्वल टू माइनस वन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है के इक्वल टू हाफ, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपके पास दिया हुआ है बोथ बी एंड सी, ठीक है। ये अपने पास बच्चों सवाल दिया, इसमें बहुत काम की चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से कि ये बात तो आपको समझ में आती है कि अगर आपको कोलिनियरिटी की बात हो रही है तो डिटर्मिनेंट जीरो करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास के टू माइनस टू के वन माइनस के प्लस वन टू के वन माइनस फोर माइनस के सिक्स माइनस टू के वन, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये बात तो क्लियर। अगर हम इसको जरा सिंपली ओपन अप कर दें तो हमारे पास आ जाएगा k टाइम्स 2k और माइनस ये माइनस वन इंटू ये, तो आपके पास आ जाएगा माइनस सिक्स माइनस टू के, यह आ गया अपने पास माइनस वन इंटू सिक्स माइनस टू के, फिर माइनस टू माइनस टू के माइनस ये देखो ये प्लस में खुलता है ये माइनस में खुलता है ये प्लस में, तो माइनस टू माइनस टू के इंटू माइनस के प्लस वन इंटू वन, तो माइनस के प्लस वन और माइनस वन इंटू ये पूरी चीज, तो माइनस माइनस फोर माइनस के, यह आ गया अपने पास, और प्लस वन इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए माइनस के प्लस वन इंटू सिक्स माइनस टू के माइनस के प्लस वन इंटू सिक्स माइनस टू के माइनस माइनस फोर माइनस के इंटू टू के, ये आ रहा है बेटा पूरा का पूरा आपके पास एक्सपेंशन, इस पूरे की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। ओपन अप करते हैं तो के टाइम्स 2k और माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 2k, तो आगे आपके पास 4k माइनस सिक्स, फिर माइनस अंदर अगर यहां पर कर ले तो प्लस 2k माइनस 2 इंटू प्लस 2k माइनस 2 इंटू अंदर यहां पर देखो क्या आ रहा है माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस k और माइनस k कट जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 प्लस 1 दिस इज 5, और उसके आगे लिखा हुआ है प्लस 1 इंटू। अब जब बच्चों माइनस के इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा माइनस 6k और प्लस टू के स्क्वायर, फिर प्लस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सिक्स माइनस टू के, उसके बाद जब ये टू के देखो ये माइनस है, इन दोनों में से अगर आप माइनस बैलेंस करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा,
और यहां पर आप लिख सकते हैं कि जैसे ये 2k इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2k मल्टीप्लाई होते ही प्लस 8k और प्लस 2k स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यार यहां से मेरे पास आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 10k माइनस 10 प्लस 10k माइनस 10। और अंदर अगर यहां पर देखें तो 2k स्क्वायर और 2k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर है तो अगेन प्लस 4k स्क्वायर। उसके बाद k वाले अगर हम टर्म्स देखें तो माइनस 6k माइनस 2k माइनस 8k और प्लस 8k कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म में सिर्फ प्लस 6 बचा तो प्लस 6। इस पूरे की वैल्यू अपने पास जीरो आ रही है तो 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर बच्चों अपने पास आ जाएगा 8k स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 10k, ये अपने पास आ जाएगा प्लस 4k और कांस्टेंट टर्म है माइनस 4, दिस इज इक्वल टू जीरो। पूरे में 4 का फैक्टर भी कॉमन है तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज बच्चों आप इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं 2k बाहर निकालूं तो अंदर आएगा k प्लस 1, माइनस 1 बाहर निकालूं तो अंदर आएगा k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यार k की वैल्यू माइनस 1 आ रही है या हाफ आ रही है, देख लो आप, k की आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, माइनस 1 या हाफ। अब ऑप्शंस देख के लगता है कि माइनस 1 और हाफ, क्योंकि दोनों वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर डी बोलेंगे। मैक्सिमम बेटा जो बच्चे होंगे वो इसका आंसर क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, क्योंकि आंसर तो दोनों आ रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको ये चीज चेक करने की जरूरत है कि ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए। नोट आप डाल के लिखेंगे जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इन केसेस ऑफ कोलिनियरिटी, इन केसेस ऑफ कोलिनियरिटी द कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी डिस्क्रीट। बोलने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होने चाहिए। आप एक बार माइनस वन एक बार रख के देखिए, जैसे ही आप माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखते ही आपको ये कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, माइनस वन, और माइनस वन रखते ही ये वाला आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, जीरो, माइनस वन कॉमन जीरो। फिर माइनस वन यहां रखोगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस वन तो ये टू, और माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू। फिर माइनस वन यहां रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस तो माइनस फोर प्लस वन, दिस विल बी माइनस थ्री, और माइनस वन रखते ही हमारे पास यह आ जाएगा सिक्स प्लस टू इज एट। तो माइनस वन में तो देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, तो माइनस वन तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप हाफ रखोगे तो हाफ रखने पर देखो क्या कोऑर्डिनेट मिल रहा है, पहला वाला आपको मिलेगा हाफ कॉमा, हाफ रखते ही बेटा यहां पे हाफ रखते ही टू और हाफ कटेगा तो टू माइनस वन वन आएगा यहां पे। फिर अगला कोऑर्डिनेट हाफ जैसी रखोगे तो वन माइनस हाफ इज हाफ, और हाफ रखते ही यहां पे देखो अगेन वन आ जाएगा। देख रहे हो आप दो कोऑर्डिनेट सेम हो गए, हाफ यहां पर रखोगे तो माइनस फोर और माइनस हाफ दिस विल बी माइनस नाइन बाई टू कॉमा, हाफ रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे हाफ टू कटेगा तो सिक्स माइनस वन विल बी फाइव। यार ये दो कोऑर्डिनेट्स तो सेम हो गए, अगर ये दो कोऑर्डिनेट सेम हो गए इसका मतलब हाफ विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि यार दो पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, सवाल बनेगा ही नहीं। इसलिए बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ बी आएगा, सी नहीं आएगा आंसर। ये बात मेरे को आपको इसमें सिखानी थी, इसका जो आंसर होगा बेटा दैट विल बी बी ऑप्शन ओनली, क्योंकि जैसे आप k की वैल्यू हाफ रखोगे तो जो पहले दो पॉइंट है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, इस वजह से आपको उस केस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। चलिए एक अगला सवाल देखते हैं बेटा। इस तरीके का सवाल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया था कि इफ t1 t2 t3 आर डिस्टिंक्ट, इफ t1 t2 t3 आर डिस्टिंक्ट द पॉइंट्स t1, 2a t1 plus a t1 cube, अगला पॉइंट है t2, 2a t2 plus a t2 cube, comma, t3, 2a t3 plus a t3 cube are collinear for which condition of t1 t2
T3। ये अपने पास बच्चों सवाल है कि अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है, अगर बेटा आपको बोल दिया जाए कि T1, T2 और T3 डिस्टिंक्ट है, तो जो पॉइंट्स हैं T1, 2A T1+A T1 cube, T2, 2A T2+A T2 cube and T3, 2A T3+A T3 cube कोलिनियर होंगे कौन सी कंडीशन के लिए। ऐसा वाला सवाल हमने आपको पहले भी कराया है, मैं नोट डाल के फिर लिखा देता हूं। रिविजिट दिस क्वेश्चन when parabola is completed, क्योंकि बेटा ये भी जो है वो special point से parabola के, तो revisit this question when parabola is completed। जब हम parabola finish कर लेंगे तब आप इस सवाल को एक बार दोबारा देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए आपको बेटा अगर collinearity का check करना है तो आपके पास आएगा T1, फिर 2A T1+AT1 cube और लास्ट में आएगा 1, फिर T2, 2A T2+AT2 cube फिर 1 और लास्ट में उसके बाद आएगा T3, 2A T3+AT3 cube फिर 1। ये अपने पास आएगा डिटरमिनेंट, कुल मिला के इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, कुल मिला के इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यार हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट की कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम को आप दो दो एलिमेंट्स के सम में लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू T1, T2, T3, 2A T1, 2A T2, 2A T3, 1, 1, 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ T1, AT1 cube, 1, T2, AT2 cube, 1, T3, AT3 cube, 1। बेसिकली ये इस सवाल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो सेकंड कॉलम है बेटा, सेकंड कॉलम के हर एलिमेंट को आप दो दो एलिमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं सम करके, तो आप इस पूरे डिटरमिनेंट को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट्स एक डिटरमिनेंट में और सेकंड कॉलम के दूसरे एलिमेंट्स दूसरे डिटरमिनेंट में। अब यार अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस पूरे कॉलम में, इधर पहले वाले डिटरमिनेंट के इस पूरे कॉलम में आपको देखो 2a कॉमन दिख रहा है, आप 2a तो बाहर निकाल लो खींच के, अब अंदर क्या बचा, T1, T2, T3। प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई पूरी रो या कोई पूरा कॉलम सेम हो जाए, कोई दो रोज या बेटा कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, तो वो पूरा डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो खाली हो गया, तो आप देखो ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो सिंप्लीफाई होकर एकदम सिंपल सा ये लिखा हुआ। अब अगर ये चीज 0 होनी चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा इसमें बेटा आप ध्यान से देखिए, ये पूरे में a कॉमन है, पूरे में a कॉमन है, तो आप a को बाहर निकाल दो, और ये वाली चीज तो वैसे भी 0 हो चुकी है, आप a को बाहर निकाल के 0 के पास भेज दो, आप बेटा a को बाहर निकाल के यहां से 0 के पास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पूरी चीज सिंप्लीफाई होकर लिखी है मैं आपको बता देता हूं, दिस इज T1, T1 cube, 1, T2, T2 cube, 1 and T3, T3 cube, 1, एकदम सिंपल, T1, T1 cube, 1, T2, T2 cube, 1, T3, T3 cube, 1। प्रॉपर्टी अगर चाहें तो आप एक और इसमें बेटा लगा सकते हैं कि अगर आप बोल दें Row1 को Row1 minus Row2 and Row2 को Row2 minus Row3 और Row3 को अगर मैं बेटा कर दूं फिक्स, तो यहां से मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा कि पहला रो हो जाएगा T1 minus T2, इसमें से आप इसको माइनस करोगे, दूसरा रो हो जाएगा T1 cube minus T2 cube और यहां पर आ जाएगा 0, फिर T2 minus T3, उसके बाद आपके पास आ जाएगा T2 cube minus T3 cube, उसके बाद दो अगेन 0 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा T3 cube and 1। ये अपने पास आएगा और ये सब बेटा ये सब 0 के बराबर होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास 0 के बराबर आनी चाहिए, ये सब 0 के बराबर आना चाहिए। तो यार इसमें मुझे क्या चीज दिखाई दे रही है, मुझे यार इसमें ये चीज दिखाई दे रही है कि यार ये जो पहली वाली पूरी रो है, जरा सोच के देखो पहली वाली पूरी रो में से क्या ये T1 minus T2 कॉमन निकलेगा, फिर सोच के देखो ये T1 minus T2 इसमें भी है, ये T1 cube minus T2 cube में भी एक T1 minus T2 होगा और अंदर क्या बचेगा, A cube minus B cube में A minus B into A square plus AB plus B square, वो अंदर बचेगा।
वैसे ये दूसरी वाली पूरी रो में, अच्छा जीरो में भी टी वन माइनस टी टू तो कॉमन हो गई, मतलब ये पहले वाली पूरी रो में से, ये पहले वाली पूरी रो में से बेटा टी वन माइनस टी टू आप बाहर निकाल सकते हो। वैसे दूसरी वाली रो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी वाली पूरी रो में से आप टी टू माइनस टी थ्री बाहर निकाल सकते हो, दूसरी वाली पूरी रो में से टी टू माइनस टी थ्री बाहर निकलेगा, इधर से भी और जीरो में से भी ले सकते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, पहले में यहां पर वन, फिर यहां पर टी वन माइनस टी टू बाहर चला गया, तो टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू, देख लीजिए ध्यान से, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास जीरो। वैसे ही दूसरी रो में से भी टी टू माइनस टी थ्री बाहर गया, अंदर बचेगा टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर प्लस टी टू टी थ्री, फिर आपके पास यहां पर तो जीरो है ही, और यहां पर आपके पास आ गया वन टी थ्री क्यूब और वन, ये लिखा है, ये अपने पास लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये पूरी चीज जीरो के बराबर होगी, टी वन माइनस टी टू बाहर है, टी टू माइनस टी थ्री भी बाहर। थोड़ा सा बेटा बोर्ड क्लियर करते हैं ताकि सॉल्व कर पाए इसको आगे। तो देखिए बेटा, हमने ये वाली चीज लिखी हुई थी, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब आपको एक चीज कह दी हुई है, ये पूरी चीज बच्चों, ये पूरी जो चीज थी वो जीरो के बराबर थी, ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज आपके लिए जीरो के बराबर थी। यहां पर आप लिख लो, देखो टी वन माइनस टी टू, उसके बाद टी टू माइनस टी थ्री, ये आपने दो फैक्टर बाहर निकाल लिए थे। इसको अगर मैं ओपन अप कर दूं, इसको बेटा अगर मैं ओपन अप कर दूं तो वन मल्टीप्लाई किससे होगा, ये पूरी चीज का मल्टीप्लीकेशन होगा वन, वन मल्टीप्लाइड विथ टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर प्लस टी टू टी थ्री इंटू वन, तो टी टू स्क्वायर प्लस टी थ्री स्क्वायर प्लस टी टू टी थ्री, ये पूरी चीज वन से मल्टीप्लाई होगी माइनस टी थ्री स्क्वायर इंटू जीरो, खत्म। फिर ये जो बीच वाला है प्लस टी वन स्क्वायर, मतलब ये माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू, ये माइनस के साथ ओपन अप होगा, तो बेटा ये वाली जो पूरी चीज है ये मल्टीप्लाई होगी वन इंटू वन माइनस जीरो, तो यहां तो वन ही आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में बेटा जीरो है तो जीरो वाले को भी ओपन अप करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के बस ये लिखा है, कुल मिला के बेटा ये चीज लिखी है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, आपको बस ये इतना सा सवाल दिया हुआ है। अब अगर ये मेरे पास बेटा क्वेश्चन है तो इसको देखो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है हमारे लिए, आप देख सकते हैं वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू स्क्वायर और यहां पर माइनस टी टू स्क्वायर, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है हमारे पास टी वन माइनस टी टू इंटू टी टू माइनस टी थ्री, और उसके बाद अंदर देखेंगे तो यहां वाले में से ये टी थ्री स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, इसको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो इसको लिख देते हैं टी थ्री माइनस टी वन इंटू टी थ्री प्लस टी वन, ठीक है, ये टी थ्री स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और ये वाला जो बेटा टर्म है टी टू टी थ्री और माइनस टी वन टी टू, अगर मैं इन दोनों में से प्लस टी टू बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा टी थ्री माइनस टी वन, ये पूरी चीज जीरो के बराबर होनी चाहिए। अब ये टी थ्री माइनस टी वन भी देखो दोनों में कॉमन है, उसको भी बाहर ले लो, तो टी वन माइनस टी टू इंटू टी टू माइनस टी थ्री इंटू टी थ्री माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी वन भी बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर आ गया टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री विल बी इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन आ रहा है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आ रही है, जरा ध्यान से देखो सवाल में लिखा है टी वन टी टू टी थ्री आर डिस्टिंक्ट, तो अगर बेटा ये अलग है, इमेजिन करो चार बेटा अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, अगर ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो टी वन इक्वल टू टी टू हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, टी वन और टी टू तो जीरो के बराबर हो नहीं सकता, टी वन माइनस टी टू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां से आपके पास आ जाएगा टी वन इक्वल टू टी टू, लेकिन आपको बोला गया टी वन और टी टू डिस्टिंक्ट है, अगर ये जीरो के बराबर होगा तो टी टू और टी थ्री बराबर हो जाएगा, आपको पता है टी टू और टी थ्री डिस्टिंक्ट है, अगर ये जीरो के बराबर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि टी थ्री और टी वन बराबर होगा, लेकिन टी वन और टी थ्री भी डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब इकलौती जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री मस्ट बी जीरो, ये आपका आंसर, जो कंडीशन होनी चाहिए जो लिखा हो ना, आर कोलिनियर फॉर विच कंडीशन ऑफ टी वन टी टू एंड टी थ्री, तो आंसर विल बी टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री मस्ट बी जीरो, ठीक है, ये अपने पास बेटा कंडीशन आएगी तभी ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट अपने पास बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन मीट्स एक्स एक्सिस
द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू वन मीट्स x एक्सिस एट ए एंड y एक्सिस एट बी. फिर लिखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. P1 is the foot of perpendicular. P1 is the foot of perpendicular. From P to OA. उसके बाद अगला लिखा हुआ है M1 is that of P1 from OP. P2 is that of M1. थोड़ा सा लंबा सवाल है बेटा लेकिन अच्छा है. P2 is that of M1 from OA. M2 is that of P2 from OP. M2 is that of P2 from OP. And so on. ये सवाल दिया बेटा. If PN denotes the nth foot of the perpendicular on OA from MN-1, then find OPN. ये हमने बार बच्चों सवाल दिया. Then find OPN. थोड़ा सा लंबा सवाल था लेकिन कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है. देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं कि इसमें लिखा क्या है. आपके पास बेसिकली कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है और इस कार्टेशियन प्लेन में बेटा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है विच इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन. ठीक है, आप अगर जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, या अगर आप चाहें तो इस लाइन को आप रफली प्लॉट कर सकते हैं. क्लास 9 10th में आपने किस तरीके से स्ट्रेट लाइंस को बेटा बनाया जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता ही है. तो x plus y equal to 1 वाली लाइन ये आ जाएगी आपके पास. ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये वाली बात समझिए बेटा कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन y एक्सिस को जब भी इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली लाइन y एक्सिस को जब भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर x कोऑर्डिनेट में 0 रखूं तो y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब कि इसका आंसर आ गया क्या 0.1. ठीक है, सिमिलरली अगर बेटा हम यहां पर देखें तो ये वाली लाइन जब आपकी x एक्सिस को टच करेगी तब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1.0. ये बात तो बेटा समझ में आनी चाहिए, ये बेसिक सी बात है. और ये आपको दिया हुआ है मीट्स x एक्सिस एट ए, ये ए है, एंड y एक्सिस एट बी, ये आपको बी दिया हुआ है. फिर लिखा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है. तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस, दैट इज ये आ जाएगा 1/2, P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये अपने पास आ जाएंगे 1/2. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. अब इसके बाद जो बेटा चीज है वो इंपॉर्टेंट है, दैट P1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू OA. P1 is the foot of perpendicular. O क्या है? O origin है. तो P1 is the foot of perpendicular from P to OA. ये OA पर, इस OA पर बेटा ये जो perpendicular का foot है, इस OA पर ये जो perpendicular का foot है, that foot is called क्या लिखा हुआ है? P1. P1 is the foot of perpendicular from P to OA. तो ये आपके पास P1 होगा. ठीक है? फिर लिखा हुआ है M1 is that of P1 from OP. अब अगर मैं इस OP को ले लूं, OP को, तो लिखा हुआ है M1 is that of P1 from OP. कि जब आप P1 से एक foot of perpendicular drop करेंगे, जब बच्चों आप P1 से एक foot of perpendicular drop करेंगे from OP, M1 is that of P1 from OP.
तो इस ओपी पर आपने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आपके पास क्या आ गया, एम वन आ गया। फिर लिखा हुआ है पी टू इज दैट ऑफ एम वन फ्रॉम ओ ए, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास बेटा यहाँ पे पी टू आ गया, ठीक है, ये आपके पास पी टू आ जाएगा। ये आपका फिगर बना हुआ है, इस तरीके का आपको फिगर बोला जा रहा है। तो मैं आपको बच्चों ये बोलता हूं कि अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे कि फिर यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर आप नीचे उतरे, फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फिर नीचे उतरे, तो मैं आपको एक पैटर्न समझाना चाह रहा हूं। पैटर्न क्या है, पैटर्न बच्चों ये है कि अगर ओरिजिन 0.0 है तो OA का लेंथ कितना है, OA का लेंथ 1 है, O से A का लेंथ कितना है 1 है, फिर OP1 कितना है, व्हाट इज OP1, तो OP1 अगर आप बोलोगे तो देखो अगर इसके कोऑर्डिनेट हाफ कॉमा हाफ थे और अगर आपने एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया है तो दिस विल बी हाफ कॉमा 0 P1 के कोऑर्डिनेट्स, P1 के कोऑर्डिनेट्स अगर बच्चों हाफ कॉमा 0 होंगे तो जरा सोच के देखिए OP1 की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, OP1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। अब आप लॉजिक समझने की बेटा कोशिश करिएगा कि लॉजिक ये आपको बोलता है कि देखिए 0 से लेकर 1 तक ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये 1 यूनिट है, यहां पर भी 0 से लेकर 1 तक ये 1 यूनिट है। तो यार ये बात तो समझ में आती है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल OAB है, बड़ा वाला ट्रायंगल OAB, उसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि y एक्सिस और x एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है तो यार इसका मतलब ये है कि ये छोटा सा जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा और ये वाला भी जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। ये बात बच्चों अपने को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये 45 डिग्री आएगा, ये भी 45 डिग्री आएगा। अब अगर बेटा ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो आप सोच के देखिए ये एंगल भी 45 होगा, ये वाला भी बेटा एंगल अपने पास 45 आएगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 आएगा क्योंकि ये आपका राइट ट्रायंगल है ना, पी पी वन ए, पी पी वन ए जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 है तो ये 45 है, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। अब अगर ये हमारे पास 45 था, ये भी बेटा एंगल 45 डिग्री आ रहा था, तो अब आप ध्यान से देखिए कौन से वाले ट्रायंगल को, आप देखिए ट्रायंगल ओ पी वन पी को, आप ये वाले ट्रायंगल को देखिए बेटा ओ पी वन पी को, या आप ये बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ओ पी ए को। अगर मैं ट्रायंगल ओ पी ए को ध्यान से देखू तो ट्रायंगल ओ पी ए आपको कैसा ट्रायंगल दिखाई देता है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है क्या, OPA, O से लेकर P तक की दूरी कितनी है। अगर आप O से लेकर P तक की दूरी निकालेंगे बेटा तो OP विल बी रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 1/4 1/2, तो ये आ गया 1/√2, OP का लेंथ 1/√2। वैसे AP का लेंथ कितना आएगा, AP का लेंथ अपने पास आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 0 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, यार ये भी 1/√2 आ रहा है। और AP के बाद OA का लेंथ कितना आएगा, तो OA का लेंथ 1 है, देख लो आप पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि OP जो है OP इस पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर्कम सेंटर जो होता है बेटा सर्कम सेंटर मिड पॉइंट पे होता है और हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता, वो OP जो होता है वो हमेशा AB के परपेंडिकुलर नहीं होता, लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और उसके साथ साथ आइसोसेलेस भी हो गया तो ये चीज हो जाती है। तो अगर ये पूरा एंगल 90 था, ये 45 था, तो ये अंदर वाला एंगल 45 डिग्री आएगा। अच्छा अब ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा। अच्छा अब ये 90 था, ये 45 है, तो ये छोटा सा एंगल भी 45 डिग्री आएगा। मतलब ये एक अच्छा सा फिगर है, बहुत सारी इसमें से बच्चों अपन चीजें निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास ओ पी वन, ओ से लेकर पी वन तक की दूरी कितनी है, ओ से लेकर पी वन तक की बच्चों दूरी आपके पास हाफ आ चुकी है। मैं आपको यार ये बोलता हूं कि अगर मैं ओ पी टू निकाल लू, ओ पी टू, और उसके बाद फिर मैं जज करने की कोशिश करूं कि यार फाइनली अपना रिजल्ट होना क्या चाहिए, तो आप ऐसा समझिए कि बेटा देखिए ये पी पी वन कितना है, पी पी वन, आप पी पी वन ध्यान से देखिए, पी पी वन आपके पास पी से लेकर पी वन तक की दूरी हाफ आएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका हाफ है, तो ये हाफ आएगा पी पी वन। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, चाहे आप अपनी नोटबुक थोड़ी सी घुमा के देखिए, ट्राइंगल पी वन एम वन पी को, ट्राइंगल पी वन एम वन पी को, तो ये जो ट्राइंगल पी वन एम वन पी है, इस ट्राइंगल में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो आपके पास ये जो अगर पूरा हाफ है तो ये एम वन पी जो होगा दिस विल बी हाफ कॉस 45, और ये जो होगा बेटा दिस विल बी हाफ साइन 45। ये जो P1 M1 होगा ना,
यहां पर P1M1 की वैल्यू आएगी हाफ साइन 45। ध्यान से देखिए, कॉम्पोनेंट लिए ये हाइपोटेनियस है तो दिस विल बी हाफ कॉस 45, दिस विल बी हाफ साइन 45। तो अगर ये हाफ साइन 45 होगा मतलब कि ये 1/2√2 होगा। ये जो पूरी चीज आएगी P1M1, ये P1M1 क्या आएगी 1/2√2। और अगर बच्चों ये आपके पास P1M1 की वैल्यू अगर 1/2√2 आ गई तो आप जरा सोच के आप मुझे बताइए कि अगर दिस इज 1/2√2 तो P1P2 क्या होगा। P1P2 तो P1P2 को आप बोल सकते हैं कि दिस विल बी M1P1 cos 45, दिस विल बी M1P1 cos 45। देख लो ध्यान से, ये जो है M1P1, ये M1P1 cos 45 होगा P1P2। तो यहां से आपके पास आ जाएगा M1P1 था 1/2√2 और इसमें एक 1/√2 और है तो ये आ गया 1/4। अब देखो ये जो बेटा पूरा है, ये पूरा 1/2 है और इस पूरे 1/2 में ये जो इतना हिस्सा है P1P2 का, ये 1/4 आ रहा है। ये जो बेटा आपके पास P1 से P2 है ये 1/4 आ रहा है और ये पूरा O से लेकर P1 तक हाफ था, तो हाफ में से अगर 1/4 चला गया तो OP2 कितना आएगा 1/4 ही आएगा। ठीक है, OP2 हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 ही आएगा। मतलब सिमेट्रिसिटी क्या चल रही है, सिमेट्रिसिटी बेटा ये चल रही है कि OP1 जो था वो 1/2 raised to the power 1 था, मतलब हाफ था। OP2 जो था, OP2 आपके पास है 1/2 square, OP2 है 1/2 square, तभी तो 1/4 आया। और अगर मुझसे पूछा जा रहा है OPN, तो OPN क्या होगा 1/2 raised to the power n। आप डायरेक्टली बेटा ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे जितने आप छोटे ट्राइंगल अंदर बनते जाएंगे सब में ये परपेंडिकुलर होगा और जो छोटे छोटे वाले एंगल बनेंगे वो 45 डिग्री बनेंगे क्योंकि सिमेट्रिसिटी बेटा चल रही है। ठीक है, ये इजीएस्ट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। अदरवाइज इसमें मैं बहुत और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बेटा इसको कर सकता हूं लेकिन उससे आपको बहुत तकलीफ होगी समझने में। तो आई होप आपको बेटा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 सवाल और करते हैं फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। नेक्स्ट अपने पास बेटा क्वेश्चन लिखा है टू पॉइंट्स P A,0 and Q -A,0, टू पॉइंट्स P A,0 and Q -A,0 आर गिवन। इसके बाद R is a variable point on one side of the line PQ, on one side of the line PQ such that angle RPQ minus angle RQP is 2 alpha. Find the locus of R। ये बच्चों अपने पास सवाल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। लिखा है टू पॉइंट्स P and Q A,0 - A,0 are given। R इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन PQ। सबसे पहले अपन कार्टेशियन प्लेन में बच्चों बना लेते हैं कि मान लेते हैं दिस इज -A,0 एंड दिस इज A,0। ठीक है, ये अपने को बच्चों दिया हुआ है और उसके बाद बोला जा रहा है कि दिस पॉइंट इज पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट क्यू। आर गिवन आर इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन पी क्यू। इस पी क्यू वाली लाइन के एक साइड पर बेटा एक पॉइंट है आपके पास आर। दिस इज योर वेरिएबल पॉइंट जिसका आपको लोकस भी निकालना है। तो मैंने आपको बताया ये जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या माना जाता है H, K। सच दैट एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल, मान लेते हैं इस एंगल को अपन फिलहाल के लिए थीटा। थीटा सवाल में नहीं दिया हुआ है तो ओरिजिनल जब अपन आंसर निकालेंगे तो उसमें से थीटा को एलिमिनेट करना होगा। ओरिजिनल सवाल में ए लिखा हुआ है तो अगर ए मेरे पास फाइनल आंसर में आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी मान लेते हैं इस एंगल को एंगल फाई, इसको मान लेते हैं फाई। मैंने थीटा और फाई बेटा ये जो थीटा है और ये फाई है इसको मैंने अज्यूम किया, तो अगर अज्यूम किया है तो फाइनल आंसर में से इसको मैं हटाऊंगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 2 अल्फा। अब अल्फा सवाल में दिया हुआ है मतलब कि अगर अल्फा आपके पास फाइनल आंसर में आएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं।
तो क्वेश्चन बोलता है एंगल आरपीक्यू, एंगल आरपीक्यू इज थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू टू अल्फा, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू टू अल्फा आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं बोलता हूं बेटा दोनों साइड आप टैन ले लो, तो टैन ऑफ थीटा माइनस फाइव विल बी इक्वल टू टैन टू अल्फा, और टैन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी, एंड दिस इज इक्वल टू टैन टू अल्फा। टैन टू अल्फा को आप लिख सकते हैं टू टैन अल्फा बाय वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, लेकिन जरूरत नहीं है, अल्फा तो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, टैन टू अल्फा ही रहने दो, ये अपन लिख सकते हैं इसको। अब बच्चों टैन थीटा क्या, व्हाट इज टैन थीटा, तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं नीचे, तो यार ये जो इतना सा हिस्सा होगा, ये जो छोटा सा हिस्सा होगा, ये छोटा सा हिस्सा क्या होगा, एच होगा, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी ये पूरी है के होगा। तो यार टैन थीटा अगर मुझे बोलना है, तो इफ दिस इज एच, तो यार यहां से लेकर यहां तक ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा, अगर ये पूरा ए था और इतना सा एच है, तो ये ए माइनस एच होगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब परपेंडिकुलर कितना है, के बाय बेस कितना है, ए माइनस एच, तो दिस विल बी के बाय ए माइनस एच माइनस टैन फाइव। व्हाट इज टैन फाइव, तो अगर बेटा आप टैन फाइव लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका बेस ये ए है और ये एच है, तो इसका जो टोटल बेस आ रहा है बेटा वो ए प्लस एच आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस ए सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि वो नेगेटिव साइड में, अदरवाइज ये यूनिट जो है बेटा लेंथ जो है वो ए है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में इसलिए माइनस ए लिखा है, तो ये लेंथ ए है और ये इतना हिस्सा एच, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। तो टैन फाइव, टैन फाइव विल बी के अपॉन ए प्लस एच, के अपॉन ए प्लस एच, ठीक है, दिस इज के एंड दिस इज ए प्लस एच, तो ये अपने पास आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन वन प्लस के बाय ए माइनस एच इंटू के बाय ए प्लस एच, दिस इज इक्वल टू टैन टू अल्फा, ये हमको बच्चों दिया हुआ है। तो यार यहां से अगर मैं इसको एलसीएम लेके बेटा सॉल्व करूं, तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, k टाइम्स ए प्लस एच मतलब के ए प्लस के एच माइनस के टाइम्स ए माइनस एच, तो माइनस के टाइम्स ए माइनस एच, और उसके बाद ये वाला ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच, और नीचे वाला ए प्लस एच इंटू ए माइनस एच कटेगा, लेकिन इसका एलसीएम पहले यहां लिखना पड़ेगा, तो ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच इज ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू वन और प्लस के स्क्वायर, ये लिखा है बेटा, बाकी ए माइनस एच ए प्लस एच सब कट जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टैन टू अल्फा, देख लीजिए ये आपके पास पूरी चीज आएगी। तो यहां से ये के ए और माइनस के ए कट जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो के एच और के एच, तो टू के एच अपॉन नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू टैन टू अल्फा। तो अगर बच्चों हमको फाइनल अपना आंसर लिखना हो, तो सबसे पहले तो अपन इस पूरे को उस साइड ले जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा टू के एच मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू टैन टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास बच्चों रिजल्ट आना चाहिए, इसका जो लोकस होगा ये होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि थीटा और फाई का जिक्र कहीं भी नहीं, ये अपने पास जिस तरीके से जमा के लिखा हुआ है, मैं आपको उसके तरीके से इसको लिख के दिखा देता हूं। आप ऐसा करिए tan 2 अल्फा को यहां ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा 2xy cot 2 अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फाइनल आंसर अगर अपने को चाहिए हो तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस 2xy cot 2 अल्फा माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कॉट टू अल्फा माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। आसान आसान से सवाल होते हैं लोकस के, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास बेटा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है अलाइन एल, अलाइन एल इंटरसेक्ट द थ्री साइड, इंटरसेक्ट the three sides, a line L intersects the three sides BC, CA and AB, BC, CA and AB, BC, CA and AB of a triangle ABC, of a triangle ABC at P, Q and R respectively, at P, Q and R respectively। ये अपने पास बेटा सवाल दिया हुआ है,
ठीक है, रिस्पेक्टिवली, शो दैट बीपी बाय पीसी मल्टीप्लाइड विथ CQ by QA, BP by PC मल्टीप्लाइड विथ CQ by QA मल्टीप्लाइड विथ AR by RB विल बी इक्वल टू -1। बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन को बेटा मिनीलाउस थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। ये जो है दिस इज मिनीलाउस थ्योरम, ठीक है। एक मिनीलाउस थ्योरम बेटा है, साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। और स्टेटमेंट आपको क्या बोलता है, देखो आपको एक चीज पता है, आपको क्या पता है कि यार किसी एक ट्राइंगल में ऐसी कभी भी कोई लाइन नहीं हो सकती जो तीनों साइड्स को कट करे। दो ही तो साइड्स को कट करेगी ना, मतलब या तो इन दोनों को कट करेगी या इन दोनों को कट करेगी या इन दोनों को कट करेगी, तीनों को एक साथ कैसे कट करेगी। तो तीनों को बेटा अगर आपको एक साथ इसको कट कराना है तो आपकी लाइन जरूर दो साइड को इंटरनली और एक साइड को एक्सटर्नली कट करेगी। समझ पा रहे हैं? अगर बेटा आपने इसको इस तरीके से लिखना है तो इसका मतलब बिल्कुल ये है कि जरूर आपकी जो लाइन होगी वो दो साइड को इंटरनली और एक साइड को एक्सटर्नली कट करती होगी, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको आप बच्चों बोल दें सी, तो ट्राइंगल एबीसी है। अब बीसी को कहां पर कट कर रहे हैं, बीसी को ये कट कर रहे हैं पी पे। फिर CA को कहां पर कट कर रहा है, तो CA को कट कर रहा है क्यू पे। और उसके बाद AB को कहां पर कट कर रहा है, तो बच्चों AB को यह कट कर रहा है R पे। ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब BC एक्सटेंडेड है, उसको बाहर P पर कट कर रहा है, और उसके बाद AC को Q पर और AB को R पर। अब समझने वाली बात क्या है कि BP by PC आप इस ऑर्डर में देखिए, BP by PC, CQ by QA, AR by RB। ऑर्डर देखो BP by PC, CQ by QA, AR by RB, ये ऑर्डर। अब समझने वाली बात ये है कि एक होशियार बच्चा तो ये बोलेगा कि सर ये तो जितनी भी चीजें हैं ये तो सारी की सारी क्या है, ट्राइंगल के साइड्स हैं, ये तो सब ट्राइंगल के साइड्स हैं, ये तो सब पॉजिटिव होते हैं। कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर अगर आप देखोगे तो BP, PC, CQ, QA, AR एंड RB, सर ये तो सबके सब पॉजिटिव होंगे, तो अगर ये सबके सब पॉजिटिव होंगे तो इनका प्रोडक्ट -1 कैसे आ गया। आप तो सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारी पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई करने पर तो आंसर +1 आना चाहिए। तो मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं बेटा, कई बार आप इस बात को समझिए। ऑल्टरनेटिवली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बीपी बाय पीसी, सीक्यू बाय क्यूए, एआर बाय आरबी, दिस इज इक्वल टू 1। आपको ये स्टेटमेंट ऐसा भी दिख जाएगा। कई लोग इसको -1 भी लिखते हैं, कई लोग इसको 1 भी लिखते हैं। मैं आपको यही समझा रहा हूं क्यों। अगर आप BP by PC, CQ by QA और AR by RB नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो इसको 1 लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो लेंथ ऑफ साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड्स तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव चीजों से तो आंसर 1 आता है, -1 तो आ नहीं सकता। लेकिन -1 लिखने के पीछे की वजह क्या है कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अप्रोच करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अप्रोच करने पर ये माइनस साइन बताता है, ये माइनस साइन ये बताता है कि जरूर कहीं ना कहीं पर एक जगह एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा। माइनस साइन आपको ये बताता है कि जरूर कहीं ना कहीं पर किसी एक जगह पर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा। देखो ये एक्सटर्नल हो रहा है ना, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आपको एक साइड में कम से कम एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा हो। इसमें बच्चों मैंने बहुत बार देखा है इंटरव्यूज में कि मतलब टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं, टीचर्स को भी आइडिया नहीं होता कि हो क्या है, -1 क्यों है, +1 क्यों है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप इसको लेंथ ऑफ साइड्स पकड़ोगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं इसको लेंथ ऑफ साइड्स पकड़ूं तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये 100% 1 आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाओगे, कोऑर्डिनेट्स ले लेके करोगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से माइनस मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक जगह एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा और दो जगह इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा, एक जगह एक्सटर्नल डिवीजन और दो जगह इंटरनल डिवीजन, ये इसका बेटा मतलब है। चलिए इसको अपन अगर सॉल्व करें, अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं लेट बीपी बाय पीसी, बीपी बाय पीसी इज इक्वल टू लैम्डा। अपन मान लेते हैं लेट बीपी बाय पीसी इज इक्वल टू लैम्डा। हम ऐसा करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि तीनों साइड्स,
हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो तीनों साइड्स को इंटरनली डिवाइड कर रही है, ऐसा मान के करते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन पहले से नहीं मानते, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन मान लोगे तो आपका आंसर वन आ जाएगा। माइनस साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा इसलिए माइनस लिखा है, अदरवाइज अगर मैं सबको इंटरनली डिवाइड करूं, इंटरनल डिवीजन मानूंगा तो आप देख लेना माइनस साइन आ जाएगा। देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको समझाता हूं। अगर मैं बीपी बाय पीसी को लैम्डा बोल दूं, बीपी बाय पीसी को लैम्डा, अब मुझे ये बात का एहसास है, मुझे ये बात पता है कि ये जो पॉइंट पी है वो एक्सटर्नल में लाया करेगा। लेकिन अगर मैं कोई एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोचूं तो मैं बोलता हूं कि चलो मैं मुझे नहीं पता कि एक लाइन किसी ट्राइंगल को तीनों साइड्स में कट कर सकती है। आपको तो ये लिखा ना, लाइन इंटरसेक्ट्स द थ्री साइड्स बीसीसी एंड एबी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपको तो यही लिखा है कि तीनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं इस साइड को लैम्डा के रेशियो में डिवाइड करती है, उसके बाद सीक्यू बाय क्यूए को म्यू के रेशियो में डिवाइड करती है, और ए आर बाय आर बी को मान लेते हैं गामा के रेशियो में डिवाइड करती है। लैम्डा मान लिया एक को, म्यू मान लिया एक को, गामा मान लिया। मुझे नहीं पता है कि डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, मैंने तो सिर्फ ये मान लिया और आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे बेटा इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको लैम्डा का रेशियो मानूं, लेट अस से वर्टेक्स ए है x1 y1, वर्टेक्स बी है x2 y2, और वर्टेक्स सी अपने पास है x3 y3। ठीक है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर मेरे पास आ गया तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आने चाहिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ जाने चाहिए लैम्डा x2 प्लस x3 बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y3 बाय लैम्डा प्लस 1। मेरे पास तो यही कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। मुझे नहीं पता फिलहाल कि इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, मैं तो एकदम इन जनरल सॉल्व कर रहा हूं, तो ये होना चाहिए। और अगर मैं इस लाइन को, ये जो बच्चों लाइन अपन ने बनाई है, अगर इस लाइन को मैं बोल दूं एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एन इक्वल टू 0, तो क्या ये बात मैं 100% बोल सकता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस पे लाई करता होगा लाइन पे, ये वाली जो बेटा लाइन अपन ने बनाई है पी से लेकर आर तक की, इस लाइन पे लाई करता होगा एलएक्स प्लस एमवाई प्लस एन पे, ये कोऑर्डिनेट लाई करता होगा, लाई कराओ। तो एल टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर प्लस एम टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आएगा। तो यहां से आपके पास आ गया बच्चों एल लैम्डा x2 प्लस एल x3 प्लस एम लैम्डा y2 प्लस एम y3 प्लस एन लैम्डा प्लस एन इज इक्वल टू 0। यार यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो माइनस एल x3 और माइनस एम y3, तो माइनस कॉमन ले लिया बाहर और प्लस एन, ठीक है, माइनस तीनों में से बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय एल x2 प्लस एम y2 प्लस एन। चेक कर लो बेटा ये आएगा आपके पास लैम्डा, जिस जिस टर्म में लैम्डा कॉमन था उसको एक साइड रखा, बाकी सबको उधर ले गए, सब में से माइनस कॉमन लिया और फिर लैम्डा सब में से कॉमन निकाल के बची हुई चीज से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास चीज आएगी। और बेटा अगर आपके पास ये वाली चीज आई है तो यहां से आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर लैम्डा में ये रेशियो आया है, लैम्डा में देखो क्या रेशियो आया है, लैम्डा में आपके पास रेशियो आया है, ऊपर आपके पास x3 वाला टर्म है, नीचे आपके पास क्या है टर्म, नीचे आपके पास x2 वाला टर्म, क्योंकि आपने जब बीपी बाय पीसी बोला तो बीपी बाय पीसी बोलने पर बी वाला x2 y2 था, सी वाला x3 y3 था, तो ऊपर आपके पास x3 वाले टर्म्स है, नीचे आपके पास x2 वाले टर्म्स है। तो अगर सेम तरीके से बच्चों जब मैं सॉल्व करूंगा, अगर मैं सीक्यू बाय क्यूए को मैंने म्यू बोला हुआ है, अगर मैंने सीक्यू बाय क्यूए को म्यू बोला हुआ है, तो सोच के देखो क्यू के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के बेटा जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं, मैं बोलता हूँ म्यू की वैल्यू, लैम्डा निकाल दिया ना, म्यू की जो वैल्यू आएगी अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो ऊपर ए वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब कि माइनस टाइम्स ऑफ एल x1 प्लस एम y1 प्लस एन डिवाइडेड बाय एल किसके साथ है, ए और सी है ना, तो सी के साथ मतलब एल x3 प्लस एम y3 प्लस एन, ये चीज आनी चाहिए आपके पास म्यू में। और सिमिलरली अगर मैं गामा की बच्चों बात करूं तो गामा में मेरे पास क्या आएगा, नीचे बी वाले टर्म मतलब x2 वाले टर्म्स ऊपर आएंगे, तो माइनस एल x2 प्लस एम y2 प्लस एन डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा अपने पास ए वाले टर्म्स मतलब एल x1 प्लस एम y1 प्लस एन। तो जरा सोच के देखो बच्चों, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो लैम्डा इंटू म्यू इंटू गामा, तो देखो ये एल एक्स टू वाली चीज इस एल एक्स टू वाली चीज से कटेगी, ये एल एक्स वन वाली चीज आपके पास इस एल एक्स वन वाली चीज से कटेगी, और ये एल एक्स थ्री वाली चीज इस एल एक्स थ्री वाली चीज से कटेगी। सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि लैम्डा इंटू म्यू इंटू गामा की वैल्यू माइनस वन आएगी, और यही चीज आपको लेके आनी चाहिए। ये चीज कब आ रही है? ये चीज तब आ रही है बच्चों जब आपने तीनों को ही इंटरनल डिवीजन माना है। अगर आप इंटरनल डिवीजन इसको भी माने, इंटरनल डिवीजन इधर भी माने, और यहां पर भी अगर आप इंटरनल डिवाइड करके सॉल्व करें तो आपके पास माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन का मतलब क्या है? माइनस वन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर तीनों इंटरनल डिवीजन का प्रोडक्ट माइनस वन आ रहा है, मतलब जरूर दो का माइनस वन रहा होगा, दो में इंटरनली डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन तीसरा वाला जो होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये इसका मतलब है बेटा, ठीक है? ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए कि एक्सटर्नल डिवीजन का जो सिंपल सा मतलब है वो ये। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेटा सवाल था, शानदार सवाल था, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आना चाहिए। मिनिलाउस थ्योरम है, और जो प्रोडक्ट का बेटा अपने पास प्रोडक्ट होता है रेशियोज का, आपको इन जनरल भी याद रखना है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप जाएंगे तो उसका प्रोडक्ट वन होता है, और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज ना जाके इन जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में देखें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो साइड इंटरनली डिवाइड होंगी और तीसरा साइड एक्सटर्नल डिवीजन होगा। चलिए एक आखिरी बेटा सवाल देखते हैं आज के लेक्चर का, और ये इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस ए ए कॉमा ए टैन अल्फा, ए कॉमा ए टैन अल्फा, ए कॉमा ए टैन अल्फा, फिर बी बी कॉमा बी टैन बीटा, बी कॉमा बी टैन बीटा, एंड सी सी कॉमा सी टैन गामा, सी कॉमा सी टैन गामा is at origin. Circumcenter बच्चों इनका origin में है, where alpha plus beta plus gamma की value है pi, where alpha plus beta plus gamma की value pi है. Show that the orthocenter lies on the line, show that the orthocenter lies on the line 4 cos alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2 times x minus 4 times sin alpha by 2 sin beta by 2 sin gamma by 2 टाइम्स वाई इज इक्वल टू वाई। ये बेटा आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है? आपको देखिए सवाल में समझा देता हूं। बोला जा रहा है कि सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग दिस साइड्स, है ना, ये वर्टिसेस उसके दिए हुए, इनका सर्कम सेंटर आपको कहा जा रहा है कि ओरिजिन पे, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है। शो दैट द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। अब देखिए सवाल बोल क्या रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये बच्चों वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, और वर्टेक्स सी है, तो वर्टेक्स ए के आपके पास कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए टैन अल्फा, वर्टेक्स बी के आपके पास कोऑर्डिनेट है बी कॉमा बी टैन बीटा, यहां पर हाँ बी कॉमा बी टैन बीटा बिल्कुल सही है, और यहां पर आ जाएगा सी कॉमा सी टैन गामा, ठीक है? ये अपने पास दिया हुआ है, और इसका बेटा जो आपके पास सर्कम सेंटर है ओरिजिन पे, सर्कम सेंटर इसका कहां पर है? ओरिजिन पे। तो अब देखो आपको बच्चों एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मैंने जब आपको लोकस पढ़ाया था तो लोकस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, लोकस बेटा पढ़ाते समय मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका सेंटर बेटा ओरिजिन के ऊपर हो, अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, और अगर उसका रेडियस आर हो और अगर उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, तो यार ऐसे वाले सर्कल को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने आपको चीज सिखाई थी, ठीक है ना, कि ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल
with center at origin with center 0,0 and radius r. एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और जिसका रेडियस r है, ये ऐसा अपने पास सर्कल होता है। अब अगर बच्चों ये वाली चीज अपने पास आ गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब बच्चों बहुत सिंपल सा है कि यार जीरो से लेकर ये ओ से लेकर बच्चों आपके पास ए तक की दूरी क्या होगी? ओ ए। तो ओ ए विल बी रूट ओवर, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से चलूं तो ओ विल बी, ओ ए विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए टैन अल्फा माइनस जीरो, मतलब ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा इज sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है, वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा इज sec स्क्वायर अल्फा, तो दिस विल बी ए sec अल्फा। ये आ जाएगा आपके पास, मतलब कि जो स्मॉल r होगा, स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a sec अल्फा। ये जो स्मॉल r होगा, स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a sec अल्फा। तो यहां से बच्चों देखो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a विल बी a कॉमा, तो a क्या है, a आ जाएगा यहां से r cos अल्फा, a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, r sec अल्फा है ना, तो ये इधर आ जाएगा sec अल्फा, तो r cos अल्फा कॉमा a tan अल्फा, तो a tan अल्फा मतलब r cos अल्फा इंटू टैन अल्फा मतलब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए आ गया आपके पास r cos अल्फा कॉमा r साइन अल्फा। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी आपके पास आ जाएगा सेम तरीके से, अगर इसमें आपके पास r cos अल्फा कॉमा r साइन अल्फा आ रहा है तो दिस विल बी r cos बीटा कॉमा r साइन बीटा, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी आपके पास आ जाएगा r cos गामा कॉमा r sin गामा, r cos गामा कॉमा r sin गामा, ये चीज अपने पास आ जाती है। अब जैसे ही बच्चों ये चीज अपने पास आई तो यार मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है कि मुझे यहां पर देखो मुझे बेटा बताने कि ऑर्थो सेंटर इस लाइन पर लाए करता है। मैं अगर ऑर्थो सेंटर को h कॉमा k मान लू और अगर मैं ऑर्थो सेंटर का लोकस निकाल लू तो यही लाइन आनी चाहिए, इसका मतलब तो यही है। अगर मैं ऑर्थो सेंटर का, हालांकि लोकस पूछा नहीं जा रहा, मैं चाहूं तो अलग से ऑर्थो सेंटर निकाल के इसमें सेटिस्फाई भी करा सकता हूं, आ जाएगा आंसर। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको बोला जा रहा है शो दैट ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैं ऑर्थो सेंटर का लोकस निकाल लेता हूं और ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालने के बाद अगर वो लोकस यही लाइन आ गई, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यार अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो इनका सेंट्रोइड क्या होगा? इनका सेंट्रोइड आ जाएगा आर cos alpha plus r cos beta plus r cos gamma, तो cos alpha plus cos beta plus cos gamma divided by 3, ये आ गया अपने पास। और similarly जो हमारे पास y coordinate आएगा, y coordinate क्या आ जाएगा? r sin alpha plus sin beta plus sin gamma by 3, ये आ गया अपने पास centroid के coordinates आ गए। अब centroid के coordinates मेरे पास हैं, सर्कम सेंटर मेरे पास है, सर्कम सेंटर है 0,0 पे, ऑर्थो सेंटर मेरे पास है h, k पे, तो यार यहां से तो मैं बहुत आसानी से सेक्शन फॉर्मूला लगा के अपना जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल सकता हूं। एक तो तरीका ये है, या हम क्या कर सकते हैं, चलो सेक्शन फॉर्मूला ही लगाते हैं। अपने को क्या पता है? HGO का कंसेप्ट पता है, HGO, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, ये बात हमको पता ही। तो यहां से देखो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि H या HGO लिखा हुआ है ना, तो देखो अपन यहां से बेटा ऐसे लिखते हैं, H के कोऑर्डिनेट्स आपने माने H, K, ठीक है, और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने माने 0,0। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए इसके हिसाब से वो क्या आने चाहिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच बाय 3 शुड बी इक्वल टू ये पूरी चीज, तो r टाइम्स cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा बाय 3, ये होना चाहिए अपने पास। देख लो एच जीओ होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच बाय 3, तो ये आ गया। एंड सिमिलरली हमारे पास अगर हम k वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहां से आपके पास आ जाएगा सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू k बाय 3, तो k बाय 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3। अब देखो लेक्चर का लास्ट सवाल है, टॉपिक का लास्ट सवाल है, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो गई, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया।
और जैसी बच्चों ये चीज अपने पास आई, क्या अपन बहुत आसानी से बेटा अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बेटा अपन क्लियर कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते ही देखो जो रिजल्ट आएगा उससे आपका आंसर आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं डिवाइड करूंगा, एच बाय के का वैल्यू बताओ, एच बाय के क्या आ जाएगा बेटा इसका, एच बाय के का वैल्यू अपने पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, मतलब सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन नीचे आ जाएगा सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन सिग्मा साइन अल्फा। अब बेटा आप याद करिए, आपने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या बोलते थे कि अगर तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो तीन एंगल्स के सम 180 डिग्री में सिग्मा कॉस अल्फा होता है 1+4 प्रोडक्ट साइन अल्फा बाय 2, एक तो ये रिजल्ट होता है, और सिग्मा साइन अल्फा होता है 4 प्रोडक्ट कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये चीज अपने पास आ जाती है। और जैसी बच्चों ये वाली चीज अपने पास आ गई तो यार यहां से मेरे पास क्या आ गया, एच इंटू 4 कॉस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 कॉस गामा बाय 2 इज इक्वल टू के टाइम्स के इंटू 1 प्लस के इंटू 4 साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2, ये अपने पास आ जाता है। तो क्या यही रिलेशन लेके आने बोला जा रहा है क्या, एच को आप रिप्लेस करेंगे एक्स से, वाई को आप रिप्लेस बेटा के को आप रिप्लेस करेंगे वाई से। तो आप देख लीजिए अगर ये वाली जो पूरी चीज है ये उस साइड चले जाए तो यही तो लिखा हुआ है, ये के है ये के है ये पूरी चीज के टाइम्स ये पूरी चीज लिखी हुई सेम रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं अपन ने ऑर्थो सेंटर का लोकस निकाल लिया और ऑर्थो सेंटर का लोकस यही आ गया, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर इस पे लाए करता होगा। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूं कि पिछले दो सवाल थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन जब तक डिफिकल्ट सवाल करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो इसके साथ पॉइंट चैप्टर की बेटा समाप्ति होती है, अगले लेक्चर से अपन स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे होंगे। तो जो भी चीज आपको इस लेक्चर से बेटा फायदेमंद लगी उसे मुझे जरूर आप कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं और मेहनत करके अगले लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर करूं और आपको बहुत काम काम की चीजें डिलीवर कर पाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।